हाँ भाई, सब तो पहला असी अपने ख्याल में उस पासे लाना है कि असी इत्थे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कोई सैर तमाशा देखने वास्ते असी नहीं आए। असी तो अपने मन की शांति, मन को समझाने वास्ते ये कीमती वक्त में प्रभु परमात्मा की भगती में लाने वास्ते इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि रस एक ही असी प्राप्त कर सकते हैं, या परमात्मा की भगती का या दुनिया का। चाहे तो इस वक्त में बाजारों के फिर के असी खराब कर देिए, चाहे इस वक्त तो पूरा फायदा उठा के परमात्मा की भगती कर लीए। सच्चे दिलों कोई भी परमात्मा खोजदा है, सच्चे दिलों कोई भी परमात्मा की भगती करता है, इत्थे किसी जाति का या औरत मर्द का भेद नहीं गा, उसनों परमात्मा जरूर मिलता है। ना कोई पूर्व ना पछम का सवाल है। कोई भी सच्चे दिलों परमात्मा खोजे, परमात्मा की भगती करे, परमात्मा उसनों जरूर मिलता है। परमात्मा किसी जाति या समाज या मुल्क की परसनल जायदाद नहीं गी, परमात्मा उसका है जो परमात्मा याद करता है, जो परमात्मा की भगती करता है। परमात्मा समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा उसकी बूंद है। समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े का है। मैं आशा करता हाँ कि आप इस भीड़ भड़के वाले शहर में अपना सिमरन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपने वक्त में बाजारों में फिर के खराब नहीं करांगे। सब ने कोशिश करनी है, जिस मकसद में इकट्ठे हुए हैं भजन सिमरन करना है।